सर पे हाथ मेरे माँ धर दे, तू जो दया जरा सी कर दे, सर पे हाथ मेरे माँ धर दे, हो जाए दुखड़े दूर, कट जाए हर एक विपदा मेरी, मैं खड़ा द्वारे पे, मैं खड़ा द्वारे पे, पल पल करूं मैं विनती तेरी, मैं खड़ा द्वारे पे, पल पल करूं मैं विनती तेरी। जगे दिन रात, तेरी जोत जगे दिन रात, दुनिया माने शक्ति तेरी, मैं खड़ा द्वारे पे, पल पल करूं मैं विनती तेरी, हूँ मैं खड़ा द्वारे पे, पल पल करूं मैं विनती तेरी। Hey, good morning guys, welcome back to our channel, आशीष सैनी ब्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग, आई होप कि सब बहुत अच्छे होंगे। आज है 9 अप्रैल और अभी टाइम हो रहे हैं दोपहर के 11:30 बज चुके हैं। मैं रेडी होकर के अब निकल रहा हूँ ऑफिस के लिए। नवरात्रि की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और घर की पूजा तो अभी आप देख रहे हैं कि किस तरीके से घर पे सारी पूजा पाठ, आज कलश स्थापना और सब कुछ संपन्न हो चुका है। अब निकल रहे हैं और ऑफिस, थोड़ी देर में वापस जाएंगे अभी, क्योंकि आज मीटिंग वगैरह पे जाना है अनिकेत के साथ मेरे को। तो चलिए फटाफट से चलते हैं, मैडम का भी आज फास्ट है बट अभी जो है स्लो हो गई है। तो हमारे मल्लू जो है, हाय करो, हाय करो मल्लू। जो है दरवाजे पे जो पत्तों का बना करके लगाया जाता है, आम के पत्ते हैं, उसकी तैयारी कर रहे हैं। हाय करो, हम लोग आ गए हैं अभी मैन वर्सेस वाइल्ड में। आपको देख करके लग रहा होगा कि डिस्कवरी की एक खोज पे निकले हुए हैं। फिलहाल ये है हमारा कैंट का इलाका, और यहाँ पे लोगों के क्वार्टर्स बने हुए हैं, जो रूम वगैरह होते हैं, गवर्नमेंटेड अलॉटेड रूम जो होते हैं वो क्वार्टर्स बने हैं। और किस तरीके से अभी लोग देखे पीछे रह भी रहे हैं यहाँ पे बैक साइड में। तो ये है आज हम लोगों का फील्ड वर्क, क्यों निकेत? हम लोग फील्ड वर्क कर रहे हैं आज, और ऐसा फीलिंग आ रहा है बिल्कुल देख करके कि बिल्कुल मैन वर्सेस वाइल्ड में है, जंगल में। खैर थोड़ा इंटरेस्टिंग है एक्चुअली, आज मेरा नवरात्रि का फर्स्ट डे है, फास्ट भी है बट मजा आ रहा है यहाँ पे अभी निकल के। तो दिलकुशा कोठी यानी दिलकुशा गार्डन, और हमारे अनिकेत भाई पहले से ही एंटर कर चुके हैं। तो ये है दिलकुशा गार्डन, कई सारी मूवीज और सॉन्ग्स की शूटिंग वगैरह यहाँ पर हुई है। आपका रेड मूवी का एक गाना है यहीं शूट हुआ है, रेड हो गया है ना, रेड मूवी का सॉन्ग यहीं पे शूट हुआ है, दिलकुशा कैबिन। और ट्रेन वगैरह की आवाज़ अभी आ रही है क्योंकि चारबाग यहीं से बिल्कुल बगल में ही है। प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है ये, संरक्षित स्मारक। यहाँ की दीवारें आप देख सकते हैं, अंग्रेजों के टाइम की ये पूरा कंस्ट्रक्शन है, लेकिन इसको अभी थोड़ा बहुत रेनोवेट किया गया है। और यहाँ पे एक चीज़ बहुत ज़्यादा है, जो एक बहुत ज़्यादा चीज़ यहाँ पर है वो है यहाँ पे तोते।
नोटिस किया है अनिकेत? और वो देखिए मैं जो आपको दिखा रहा था, दो हाँ दो तोते बैठे हुए हैं यहाँ पे, बहुत सारे हैं। इवन अभी आपको बहुत सारे दिख नहीं रहे हैं बट काफी उड़ते रहते हैं। बचपन से स्कूल के टाइम से मैं आता रहता था यहाँ पे, हम लोग रनिंग वगैरह करते थे, काफी टाइम पुराना बना हुआ है ये मेरे सामने एक बार आया हूँ मैं यहाँ पर। और इसी के जस्ट पीछे कब्रें भी बनी है वाजिद अली शाह की, असल में ये अपनी रानियों के लिए बनाया था। वाजिद अली शाह वाजिद अली शाह जो आपके लखनऊ के नवाब हुए हैं, साथ में उसको पार्क दिया था कि वो रानी अच्छी से बैठ पाए और उनकी कब्रें आज भी वहाँ बनी हुई हैं। फिलहाल अभी हम कब्रें देखने नहीं जा रहे हैं क्योंकि हम लोग आए हुए हैं यहाँ पर अभी वेट करने। और एक हाँ और क्या, ये जो आपका बिल्डिंग सामने देख रहे हैं ना, जो ये वाला स्ट्रक्चर है, यहाँ पे बहुत सारे तोते बैठते थे जब मैं आया था लास्ट टाइम, तो मैंने देखा था यहाँ पे काफ़ी सारे पैरट्स आपको देखने को मिल जाते। अभी नहीं दिख रहे हैं बट हम नेक्स्ट टाइम अगर कभी विजिट करेंगे तो आपको ज़रूर दिखाएंगे। और उनका जो पेट था, जो घोड़ा था, उसकी भी कब्र यहीं पर है। अच्छा, तो गाइज हमारे अनिकेत भाई हैं हमारे आज के टूरिस्ट गाइड और अब ये बताएंगे आपको कि ये प्लेस जो है वो क्या है। देखिए ये जो स्टोरी, इसकी बहुत बहुत ही अच्छी स्टोरी है, मैंने भी सुनी है, बचपन से सुनता आ रहा हूँ कि जब वो जो महारानी जो थी वाजिद अली शाह की, वो जो वाइफ थी जी, जब वो पॉजिस्ट हो गई थी तो एक फादर थे जिन्होंने इनको मतलब उनको निकाला था उस चीज़ों से, फिर उनके बाद राजा उनको इतना मानने लगे कि उनकी भी उन्होंने समाधि यही बनाई। जो फादर थे, फादर थे उनकी भी समाधि और साथ में उनकी उनके पेट वगैरह की भी यहाँ पर है। तो यहाँ पर नवाब वाजिद अली शाह के घोड़े की भी समाधि बनी है और अनिकेत भाई जैसा बता रहे हैं कि एक फादर थे जिन्होंने उनकी वाइफ को, उनकी रानी को जो है बचाया था या जो भी कुछ ऐसा सच डेट ना ऐसा किया था, तो उनकी समाधि भी, कब्र भी यहीं पर रखवाई थी। ये रहा। सो गाइस अभी टाइम हो रहा है शाम के 6 बजने वाले हैं और मैं आ चुका हूँ अभी ऑफिस से घर। हमारे अथर्व जो हैं न्यू आज कपड़े पहन करके, नवरात्रि का व्रत है, झूठ बोल रहे हो, हाय ब्रो, बोल रहे हो, टी शर्ट कौन लाया है, कौन से चाचा, हम लाए हैं यार गुरु, फिर थैंक यू। चाय बनी है, बुलाओ चाची को, बुलाओ को तो चाय दो, चाचा को बुलाओ। अच्छा बाय बाय, कर जा रहा हूँ पूजा करने। सो गाइज अभी टाइम हो रहा है शाम के 8:30 बज चुके हैं और ब्लॉग को करते हैं अब यहीं पर एंड, क्योंकि फलारी का टाइम हो गया है। नवरात्रि का पहला दिन था, पहला दिन ओवर हो चुका है और भूख लग रही है बहुत जोर की। चलते हैं आलू वगैरह यार फ्राई वाले मिलेंगे मस्त से खाते हैं और उसके बाद मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो के साथ। आज का ब्लॉग होप सो आपको अच्छा लगा होगा, तो कमेंट करके बताइएगा कि आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा और खूब ज़्यादा सा सपोर्ट करिए यार, आपके सपोर्ट की इस टाइम पर बहुत नीड है। अपना बहुत सारा प्यार दीजिए, कमेंट में लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए और चैनल पर पहली बार अगर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले और भी नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। बाय बाय, टेक केयर, लव यू, जय माता दी।